दिस इज योर रेशियो। कैसा होता है कि ये एक मास्टर कंप्यूटर है और इस कंप्यूटर के नीचे बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग आप पढ़ते हो ना, साइबर कैफे में जाते हो 20 रुपए देते हो, अभी 20 रुपए 40 रुपए 60 रुपए 80 रुपए ऐसे 10 कंप्यूटर काम करे, पर ये 10 कंप्यूटर को चलाने वाला एक मास्टर कंप्यूटर होता है। इस 10 कंप्यूटर को चलाने के लिए एक मास्टर कंप्यूटर होता है आपके घर में, आपको पता है। इसी तरह आपकी टीम है ये, और इस टीम में अगर आप सीनियर हो तो बैठना कैसे है, फोन उठाना कि नहीं उठाना, ये मीटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है और इस मीटिंग में इंपॉर्टेंस क्या है, ये सीनियर का काम है, ये मास्टर कंप्यूटर का काम है। अब यहां पर ईगो पता क्या है, अरे ये नहीं डाउनलाइन है, एग्जाम्पल है, इनको मेरे से ज्यादा नॉलेज है तो मुझे घमंड हो जाता है और मेरे डाउनलाइन को घमंड हो जाता है, मैं तेरे को क्यों सिखाऊं, तेरे साथ क्यों बैठूं, तेरे फोन क्यों उठाऊं, मेरे को तो ज्यादा पैसे मिलते हैं ना। और यहां पे प्रॉब्लम हो जाता है, एमएलएम का जो मेन प्रॉब्लम है, यू आर नॉट नर्चरिंग योर टीम, आप अपनी टीम को सिखाते नहीं हो। आप उसके साथ बोलते हैं कि जैसे आप ज्वाइन होते हो तो ज्वाइन होने के बाद पहले 12 घंटे उससे काम मत करवाओ, आज लिस्ट बिल्डिंग करो, यही काम होता है। पहले 12 घंटे उससे का रिलेशन बिल्ड करो, कंपनी की ताकत बनाओ, उसको और इसके रिलेशन डेवलप करो, डू एंड डोंट कराओ, और जब वो कंफर्टेबली आपके साथ हो जाएगा उसके बाद उससे काम करवाओ। यूरोप में क्या होता है, यूरोप में फुटबॉल खेलना है किसी को फुटबॉल, तो 6 महीने उसको स्टड और सब कुछ डाल के बैठते हैं और 6 महीने ग्राउंड के बाहर देखा, अंदर नहीं आने का, पैसे भी देने का, अरे बार लगा हुआ और वो देखता है इधर किक मारो इधर किक मारो, और उसकी तड़फड़ पैदा होती है, तड़फड़ पैदा होती है, अरे मी अस्तो तसा कर ले अस्तो, मैं होता तो ये कर लेता, ऐसा होता थे। और 6 महीने के बाद जब उसके रग रग में पता लग जाता कि यहां करने से ऐसा होता है, और 6 महीने के बाद उसके बाद वो ग्राउंड में उतारते हैं बच्चे को, और यूरोप फुटबॉल के लिए माहिर है, पूरा यूरोप सब जानते हो आप लोग। हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं होता, आते हम बोलते हैं चल पूजा पसंद लव दे ज्वाइनिंग पे, हाँ तेरे पापा कितना कमाता, मेरे पापा की सैलरी 1 लाख रुपए, अरे 3 ID तो उनके भी ले ना, तेरी बहन क्या करती, मेरी बहन फर्ग्यूसन कॉलेज में, हाँ वो क्या कर रहा है, वो 20,000 कमाती है, उसके भी आईडी ले जा, अरे कसम आईडी। मुझे एक बात समझा, अगर आपको पैसे आएंगे तो आप लोगों को ज्वाइन नहीं करोगे, यू आर विद मी, ज्वाइन करोगे ना। हमारा पहला प्रॉब्लम पता क्या हो जाता है, हमारा पहला प्रॉब्लम यही हो जाता है, जिंदगी में एक बात ध्यान देना हमेशा, जीतता कौन इंसान है, जिसको ना हारने का डर हो ना जीतने का लालच, वो इंसान जिंदगी में जीतता है। अगर आप अपनी जीत को लालच देख रहे हो तो जीतना बहुत मुश्किल है, हारने का अगर आपको डर है तो आप हार जाओगे। जस्ट डू इट। पहला काम कौन सा करना है, अपनी पसंद का। और यार एक्चुअली पता क्या हो रहा है, इसकी वजह से ना सब लोग एक्चुअली हीरो मैं हूं आज का, पर ये सब चीजें यार मेरा तुमने बोला रेट कम कर दिए यार, पहले बनती है एक बार सो ओके फाइन, मेरा खत्म हो चुका है, ठीक है। सो तीसरी एक चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं, वो तीसरी हम दूसरी बार ले लेंगे, तीसरी एक चीज है जिसको बोलते हैं कि सक्सेसफुल लोगों के पास तीसरी एक चीज है जिसको बोलते हैं विद्या, क्या है विद्या, समझते हैं आप सब लोग, व्हाट इज मीन ऑफ विद्या, फट एजुकेशन नॉलेज, गुड। मैंने बोला कि सक्सेसफुल लोग अपनी पसंद का काम करते हैं, एग्री, दूसरा बोला मैंने कि काम भी करते हैं काम करवाते हैं, तीसरा एजुकेशन मतलब विद्या होनी चाहिए, आपने क्या बोला एजुकेशन, बराबर ना, बोलो ना। मुझे एक बात बताओ, दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो पढ़े लिखे भी नहीं है, और जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो सक्सेसफुल नहीं है, या तो तुम जो चुप हो या मारो चुप हो। और हमारे 7 साल हम जीते हैं तो 1/3 हिस्सा हमारा पढ़ने में जाता है, और कोई अगर हमको पूछ रहे कि व्हाट इज मीन ऑफ विद्या, व्हाट इज मीन ऑफ एजुकेशन, हमको आंसर देना भी नहीं आता। और ये हालत अपनी इंडिया की है, प्लीज आप आज अपने बेटों से पूछिए घर जाके कि विद्या का मतलब क्या होता है। मैं 99% में लिख के देता, अगर किसी ने बता दिया तो मुझे, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, आई एम नॉट हियर, पर आपको नहीं लगता अगर किसी जगह में 20 साल पढ़ता हूं तो मुझे उसका फटाक से आंसर पता लगना चाहिए, नहीं वाट तुम्हारा आज आप पूछ के देखना अपने बेटों से, हर जगह बिजनेस हो चुका, कोई दिल से कुछ देना ही नहीं चाहता, हर जगह पैसा हो चुका, कुछ कुछ बनना ही नहीं चाहता। हम अपने बेटे को बोलते इंजीनियर बन साले, तेरे को बड़ा पैसा मिला है, लेकिन उसको कर लेने दो कोई जिससे उसको खुशी मिले। यहां पे प्रॉब्लम है हमारे इंडिया में, आज आप देख रहे कितने साल से हम लोगों ने पढ़ा,
व्हाट इज मीन ऑफ विद्या, अगर आप बता दो तो मुझे बताओ। शिवाजी महाराज यू नो सॉरी टू से यू, उनके गुरु दादूजी कोंडदेव, शिवाजी महाराज ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उनके गुरुजी दादूजी कोंडदेव ने विद्या दी थी और उस विद्या की वजह से दुनिया में इतने बड़े बने। और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, बिल गेट्स, बिजोइस, और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, दे आर नॉट एजुकेटेड, एजुकेटेड नहीं है, चेक करके देख लो आप लोग, पर राज करते हैं। ये विद्या क्या हो सकती है? और इसका सर हम 20-25 साल पढ़ने के लिए जाते हैं, हम लगा रहे कितने कैसे पैसे भरते हैं अपने बच्चों का, देखो एजुकेशन कितना टफ हो चुका है। यू आर विद मी? यस। एक बार आप घर जाके पूछिए अपने बच्चों से कि बेटा विद्या का मतलब बता मेरे को कि क्या होता है, वो साला बोलेगा विद्या बालन। हाँ पता मेरे को, हाँ वो विद्या बालन बोलता है, फिर उसको ये बराबर पता होगा कि बिग बॉस में विद्या बालन बड़ी बनी, रिचर्ड ने उसका किस किया और इसकी वजह से वो बड़ी बनी। हाँ खरी शपथ आई थी तुमची, हाँ सच बता रहा हूं आपको। यहां पे प्रॉब्लम है सर, यहां पे प्रॉब्लम, मैं आपको क्या बताने, आई एम नॉट हियर टू टीच यू, आप मेरे से बड़े हो, सब एजुकेटेड हो, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो काम और काम के बीच की जो प्रक्रिया है ना, उसमें लोग मार खा जाते हैं। अरे काम सब लोग करते हैं यार, पर क्या हमारा काम होता है क्या? नहीं होता। पूरे दिन आज हम बैठे हैं, अगर ये ट्रेनिंग का टाइम नहीं क्या, ये बैठने का कोई भी मतलब नहीं है। काम और काम के बीच की जो प्रक्रिया, क्रिया नहीं बोल रहा हूं, क्रिया काम को बोलते हैं, प्रक्रिया प्रोसेस को बोलते हैं, और ये प्रोसेस हमसे नहीं होता। अब ये एजुकेशन क्या है, विद्या कैसा है? टाइम नहीं, पर विद इन 2-3 मिनट, पढ़ाई के ज्ञान की 3 शाखाएं, एजुकेशन वन इज, फर्स्ट वन इज एकेडमिक नॉलेज, आप जो हम लोगों को नॉलेज है वो एकेडमिक नॉलेज है, भूगोल कैसा, गणित कैसा, संस्कार कैसे, दुनिया में कैसे रहना, नमस्ते कैसे बोलना, खाना पीना, बट इस खाने पीने एजुकेशन से पैसे नहीं मिलते। और स्वामी विवेकानंद ने बोला है कि अगर तुम तुमच्या शिक्षण से वापर नहीं केला तुम्हें तो उसका कोई मतलब नहीं है। यू विद मी? यस करेक्ट। स्वामी विवेकानंद एक पाठी होते, एक बार पढ़ा याद में, और ज्यादा ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं रहे, उनकी समाधि जल्दी हो गई थी आपको पता है, पर कम टाइम में बहुत बड़े बन गए। संभाजी महाराज कम टाइम में बहुत बड़े बन गए, विद्या थी, एजुकेशन नहीं था। दूसरा नॉलेज होता है एक अकेडमिक, का दूसरा होता है जिसको बोलते हैं हम लोग, एक तो अकेडमिक होता है और दूसरा एक और नॉलेज होता है जिसको बोलते हैं प्रोफेशनल नॉलेज, मतलब ये इंजीनियर है, ये MBA कर रहे हैं और ये MBBS कर रहे हैं, तो इनको इसके अलावा कोई और कुछ सिखाया नहीं जाता। ये बोलते हैं विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर सर 31st of December, और टीचर भी बोलते हैं बेटा ठीक है, किसी टीचर ने आज तक बोला कि बहुत तेरा डोनेशन 20 लाख रुपए का है तो इस साल तेरे को 40 लाख पैसे मिलेंगे, अगले साल हम आपको सिखाएं, किसी टीचर ने बोला? नहीं। आप चेक कर, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, क्यों अदर कंट्रीज हमसे आगे हैं, क्यों आगे हैं? और एक और नॉलेज होता है जिसको बोलते हैं बिजनेस नॉलेज, और हमारे इंडिया में बिजनेस नॉलेज नहीं दिया जाता, और हमारा नॉलेज उस दिन खत्म होता था जिस दिन हमारे किताबें खत्म, जिस दिन हमारी पढ़ाई खत्म। देखो हम लोगों ने कितनी किताबें पढ़ी, एम्पावर में ज्वाइन होने से पहले अपने प्रिपरेशन कहां पे किया? विश्वास नागरी पाटिल हमेशा बोलते हैं शांतते काळा मध्ये तुम्ही तुमचे घाम गाळला तो युद्ध तते काळा मध्ये तुम्हाला तुमचे रक्त सांडवत नहीं लागतो। दिस इज द टाइम एम्पावर शुरुआत हो रही है, लगा दो अपना खून, लगा दो अपना पसीना, जब करोड़ों रुपए मिलेंगे ना तो लोग बोलेंगे यार मैं भी तेरे साथ था, बट तू आज कहां और मैं कहां, समझ में नहीं बात आपको, समझ में। तो दिस इज द टाइम जहां पे आप लोगों को ये करना। अब ये विद्या क्या होती है, तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारी चीजें करनी है, बट क्या है लैक ऑफ टाइम, अभी अभी मीटिंग है तो मुझे यहीं पर खत्म करना पड़ेगा, इज इट खत्म कर, क्योंकि टाइम हो चुका, मुझे भी अनाउंसमेंट, क्या मैं अधूरा ज्ञान आपको देना नहीं चाहता, इट्स अ वेरी डेंजर। हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू करेंगे, पर मुझे यही बात करना, आज आपको बहुत सारे प्रॉब्लम घर पे आने वाली, आज के बाद आप बहुत फुल चार्ज हो गए, फुल। अब घर पे बोलोगे आप लोग आज के बाद काम करना, आज के बाद काम करना, और आपके घर वाले को एक पंचर करेंगे, समझ रहे मेरी बात? आपका बिजनेस, अगर बिजनेसमैन बनना, दो चीजें से बिजनेसमैन बड़ा बनता, वन इज विल और दूसरी स्किल। स्किल को तुम हायर कर सकते हो, इफ यू डोंट नो हाउ टू स्पीक मराठी तो somebody is there who will speak मराठी फॉर यू,
इफ यू डोंट नो हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर, तो मार्केट में खूब सारे लोग हैं जो आपके लिए कंप्यूटर, उनको खरीद लो, वो कंप्यूटर चलाएंगे, पर विल, तुमची विल ला क्या मानो अपन मराठी मध्ये, विल, इच्छा शक्ति, ये तुमची स्वतः ची पाजे, ये विकत नहीं बैठती। क्यों बिजनेसमैन पीछे रह जाता है, क्यों एक साल में तीन साल में 90% बिजनेस बंद हो जाता है, क्यों? विल पावर खत्म हो जाती है, विल पावर खत्म हो जाती है। सिंधुताई सकपाल से पूछिए आप कि क्यों वो आगे गई, बिल गेट से पूछिए आप क्यों आगे गई, उनकी जीवनी पढ़ो आप। मैं आज आपके लिए ये लेके आया था, यहाँ पे बॉम्बे का एक लड़का है संदीप गज्जसवाल के, अरे इंजीनियरिंग छोड़ दिया, इंजीनियरिंग छोड़ने का चप्पल का बिजनेस किया, 2 करोड़ रुपए कमाता है, 2 करोड़ रुपए महीने का। आप चेक करके देखिए, अरे अपनी पसंद का कुछ तो काम करो। अब यहाँ पे प्रॉब्लम पता है, ये सब चीजें सी, मेरा बिजनेस बढ़ाना काम नहीं है, मेरा काम तुमको बढ़ाना है, और जिस दिन आप बड़े बन गए तो बिजनेस अपने आप ही बढ़ेगा यार, समझे मेरी बात? अपने वर्कर से काम कराओ, आप बी ओनर, बी मालिक की तरह रहो, आपका तेज, आपका एटीट्यूड, आपका काम करवाने का तरीका, सैलरी देते थे हाथ नहीं कांपने चाहिए, कुछ नहीं आता यार अपने को, कुछ नहीं आता, अरे बोल रहे आप कुछ नहीं आता अपने को सीखना है, समझ रहे, प्लीज आप ये पद्धति याद रखो, अपने को कुछ नहीं आता कि आपने अनवांटेड जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिए ना, कि एक दो सॉफ्टवेयर की जरूरत है सर अपने को, ज्यादा सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए। इधर उधर की बातें घुसी पड़ी, यहाँ पे घुसी पड़ा, तू क्या सिखाता है? मेरे घर में संस्कार टीवी चलता है ना, और संस्कार टीवी तुम्हें बिजनेस का थोड़ा सिखाता है, और बोलो ना यार प्लीज, कुछ नहीं आता सर, कुछ नहीं आता टाइम हो गया, मेरे को 6 बजे का